नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी पोएट्री, अच्छे दिन थे यार, जिसे सुनकर आप यादों के मेले में खो जाएंगे। आपको अपना बचपन याद आएगा, आपको अपना कॉलेज टाइम याद आएगा, और आखिरी में आप ये पाएंगे कि जीवन भर हम खुशी के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं, लेकिन असल में खुशी कहाँ छुपी हुई होती है। सुनिए मेरे साथ, अच्छे दिन थे यार। जब हम छोटे बच्चे थे, सच कहूं हम अच्छे थे। हाँ, अकल से कच्चे थे, पर हम मन के सच्चे थे। सुबह सुबह स्कूल को जाना, 2 बजे वापस आ जाना, माँ परस के देती खाना, खाना खा के सो जाना। हाँ, हम थोड़ा थे नादान, फिर भी ना थे कम शैतान। सारे घर को बड़ा नचाते, मिलके सारे लोग मनाते। चाबी वाली ट्रेन थी लाना, जिद को अपनी था मनवाना, आंख में अपने आंसू आना, सारा नाटक सब बहाना। वो भी अच्छे दिन थे यार, खेलते अपने नदी पहाड़, चंगा अट्टू लंगड़ी साथ, बढ़िया बीते दिन और रात। सुपर कमांडो नागराज, साबू को लौटा दो आज, गर्मी की छुट्टी की रात, हमको अब भी सब है याद। वो था काला और था गोरा, टीवी मेरा था डायनोरा, जिन जीनी अलादीन, अबू लागो और कालीन। दूरदर्शन का जमाना, अलादीन का शाम को आना, फेवरेट कार्टून था हमारा, जैसे डोरेमोन है तुम्हारा। रात में सुरभि आता था, क्या कुछ ज्ञान बताता था, और वो अपना अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, वही वाला। मोगली देख के बड़े हुए, चड्डी से फुल पैंट हुए, पता नहीं क्या करना था, विषय तो लेकिन चुनना था। मालूम नहीं था क्या है एम, चुना था हमने PCM। कठिन बड़ा था वो एग्जाम, PET था उसका नाम। मेरे टाइम में प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, यानी शॉर्ट फॉर्म में PET बोलते थे, वो हुआ करता था। तो करना है अगर अपना नाम, पास करो तुम ये एग्जाम। उस दिन पहला कदम निकाला, घर के बाहर डेरा डाला। हमारे शहर में जब PET की तैयारी करनी होती थी तो उतना अच्छा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, तो शहर से बाहर जाना पड़ता था तैयारी करने के लिए। तो पहुंच गए भैया हम लोग। पहुंचे शहर एक अनजान, लेके थोड़ा बहुत सामान, लिया किराए पे एक कमरा, पार्टनर भी था संग एक हमरा। पूरे साल हुए तैयार, मैं और मेरे बाकी यार, PET को करके पास, मात पिता की रख ली आस। तो भैया जैसे तैसे हमने PET पास कर ली, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो ले लिया, नए नए सब्जेक्ट से सामना हुआ, फिर देखिए क्या हुआ। एक विषय से मैं थर्राता, जब भी उसका नाम था आता, वो मेरे सपनों में आता, आकर मुझको बड़ा डराता। उस विषय का नाम था ED, बहुत जटिल थी, नहीं थी सीधी। ED वो ED CBI वाला ED नहीं, ED था इंजीनियरिंग ड्राइंग। फर्स्ट ईयर का एग्जाम था इंजीनियरिंग ड्राइंग, जैसे तैसे पास की, और पता नहीं था कि पास होने के बाद अगले साल एक और उसके बड़े भाई से सामना होगा, जिसका नाम था MD, मशीन ड्राइंग। तो एक विषय से मैं थर्रा था, जब भी उसका नाम था आता, वो मेरे सपनों में आता, आकर मुझको बड़ा डराता। उस विषय का नाम था ED, बहुत जटिल थी, नहीं थी सीधी। आज भी सब ED से डरते, बोलो ऐसा काम क्यों करते। उसके बाद आया एक सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग। ऐसा ही इंजन, CI इंजन, कागज पे देखे सब इंजन, वॉल ब्लॉक हो या हो क्रैंक, प्लग हो पिस्टन या हो कैम, रगड़े खा के डिग्री हुई, उम्मीदें फिर पूरी हुई, इंजीनियर का ई ना जाने, डिग्री को ही सब पहचाने। खबर मिली थी बड़ी ही नेक, सेमिस्टर का हुआ था ब्रेक, रास्ता देख रहा था गांव, पहुंचे झटपट अब उल्टे पांव। घर में स्कूटर था प्यारा, जैसे मेरा राज दुलारा, नाम था उसका सुपर बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज, वही वाला। नीले रंग का था स्कूटर, जैसे ही हम बैठे ऊपर, माँ ने एक आवाज लगाई, डैडी ने ये नहीं चलाई। डैडी को तो लूना प्यारी, स्कूटर है ये बेचारी, इसके इंजन घुसा है पानी, याद आ गई हमको नानी।
डैडी लूना ही चलाते थे, स्कूटर नहीं चलाते थे। एक बार बड़ी मुश्किल से चलाई और इंजन में घुस गया पानी। जैसी माँ ने बताया अपन को नानी याद आ गई। मारी किक और बहा पसीना, पल में पिचका चौड़ा सीना, पहुंचे मैकेनिक के पास उम्मीदों की लेके आस। मैकेनिक ने पूछा, भाई बड़े दिनों में दिए दिखाई, चलो हमारी याद तो आई, इंजीनियर ने शक्ल दिखाई। चलो हमें तुम पाठ पढ़ाओ, क्या है इंजन ना सिखाओ, दे दो मुझको थोड़ा ज्ञान, मैं तो अनपढ़ हूँ अनजान। सुन के निकली हमरी जान, पकड़े भैया हमने कान, तुम ही ब्रह्मा तुम ही ज्ञानी, शर्म से हो गए पानी पानी। खुलते देखा हमने इंजन, मन में सोचा ये है इंजन, सिलेबस में तो पढ़े थे इंजन, देखे कहाँ, बस पढ़े थे इंजन। एक दिन डिग्री हाथ में आई, कष्ट बड़ा छोटा सुख लाई, हाथ में डिग्री ना कोई काम, सरेआम होते बदनाम, छुप छुपा के सबसे रहते, घर में घुसे घुसे सब सहते, डिग्री हो गई मेला ना काम, छोटे दर्शन बड़ा है नाम। डिग्री हो गई, घर में आ गए, जो भी घर में आता हर कोई यही पूछता, इंजीनियरिंग कर ली लड़का, करता क्या है अब। 4 साल की हाय पढ़ाई, हाय हमारे काम ना आई, बड़े भाई ने बात सुझाई, बात पते की हमें बताई। बीटेक के बाद होता गेट, पास करो ना होना लेट, मिलेगी तुमको स्टाइपेंड, जुड़ेगा सोचो कितना फंड। उस जमाने में एमटेक के महीने के 5,000 मिलते थे स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड का मौसम आया, जीवन में फिर सुख की छाया, स्वयं संभाला अपना खर्चा, सारे शहर में थी ये चर्चा। लगी नौकरी बीच पढ़ाई, असमंजस को लेकर आई, एमटेक करने के दौरान ही नौकरी लग गई, तो दुविधा में पड़ गए भैया कि नौकरी करें कि पढ़ाई पूरी करें। लगी नौकरी बीच पढ़ाई, असमंजस को लेकर आई, सर्विस का सपना था पूरा, पीजी लेकिन रहा अधूरा। अब नौकरी लग गई तो नौकरी लगने के बाद क्या हुआ, सुबह 8 से दिन भर काम, शनिवार भी नहीं आराम, संडे को भी अक्सर काम, बोले बीवी हाय राम, जब आप थे छोटे बच्चे हम दोनों के जैसे सच्चे, एक दिन बच्चों ने ये पूछा कभी आपने था ये सोचा, बीटेक की मैं करूं पढ़ाई, बात मन में कब थी आई, बच्चों ने पूछा जब छोटे बच्चे थे तब कब सोचा था कि बीटेक करेंगे, बीटेक की मैं करूं पढ़ाई, बात मन में कब थी आई, उनकी बातों में गहराई 22 साल पीछे ले आई। नहीं जानता था क्या करना, भेड़ चाल थी वहीं था बढ़ना, इंजीनियर बस नाम के आगे, डिग्री के पीछे सब भागे। जो कुछ भी है तुमको करना, खुद तुम सोचो क्या है करना, अनुभव से ये बात बताई, खेल कूद हो या हो पढ़ाई, जिसमें भी लगता हो मन, पूरे मन से करो जतन, होगा कठिन बड़ा ये काम, देर से होगा इसमें नाम, अपनी राह आप बनाओ, भेड़ चाल में ना तुम आओ, मंजिल निश्चित पाओगे गर तुम ना घबराओगे, खुश तुम तब रह पाओगे जब खुद से आंख मिलाओगे, पापा की थी यही कहानी, तुम बच्चों ने आज ये जानी, तुम दोनों हो मन के सच्चे, छोटे बच्चे सबसे अच्छे, इसीलिए ये बात बताई, बोलो तुमको समझ में आई, खेलें अब हम नदी पहाड़, चंगा अट्टू मिलके यार, थोड़ा झगड़ा थोड़ा प्यार, वो भी अच्छे दिन थे यार, वो भी अच्छे दिन थे यार। तो ये थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी, आप लोगों को यकीनन मजा आया होगा और आप लोग भी नॉस्टैल्जिया में खो गए होंगे। कैसी लगी आपको ये पोएट्री, वो भी अच्छे दिन थे यार, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।